नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन फ्लो कंट्रोल के दूसरे भाग में। आज हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। इफ कीवर्ड होगा और उसके बाद एक कंडीशन होगा और कंडीशन के बाद कोलन और कोलन के बाद कोट्स होंगे, जिसे कोड ब्लॉक या फिर इफ क्लॉज भी कहा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है इफ स्टेटमेंट का। तो एक कीवर्ड इफ और कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगे ये कोड्स रन नहीं होंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये कोड्स रन होंगे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया था बुलियन एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अगर आपको डाउट है तो आप वापस उस लेसन को देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये कोड ब्लॉक्स रन होंगे और कोड ब्लॉक्स हमेशा 4 स्पेसेस के साथ दिए जाते हैं। तो कोड ब्लॉक्स से बाहर आने का तरीका है बैकस्पेस और ये इंडेंटेशन चेंज हो गया, ये इफ के लाइन में आ गया। दैट मींस कि हम इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर हो गए। अब ये स्टेटमेंट जो भी होगा, ये कोड जो भी होगा वो रन करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा इस कंडीशन पे। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये रन करेगा, राइट। चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए। सपोज हमारे पास एक कंडीशन है इफ रेंज और कोड ब्लॉक होगा हम वेयर रेनकोट, फिर क्लोज डोर्स क्लोज विंडोज। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन लिया इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम क्या करेंगे, विल वेयर रेनकोट क्लोज डोर। ये 3 इंस्ट्रक्शन दिए अगर बारिश होती है तो। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी ये 3 स्टेटमेंट जो है, ये 3 जो कोड है वो रन होंगे। ये जो इंस्ट्रक्शन अब हमने दे रखे हैं, ये 3 इंस्ट्रक्शन तभी माने जाएंगे, तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये फॉल्स होता है, डेट मीन्स अगर बारिश नहीं होती तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन माना नहीं जाएगा, ये स्किप होके फिर प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट ले लेते हैं, सपोज इफ से एक चलिए इसी को कर देते हैं प्रिंट, पाइथन सिंटैक्स में कर देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज कर चुके हैं। तो ये 3 मैसेजेस प्रिंट होगा अगर बारिश होती है तो, अगर नहीं होती है तो प्रिंट नहीं होंगे, राइट। चलिए तो अब अगर हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो ये एरर मैसेज आता है और एरर क्या है, ये है इफ रेन्स। सो इफ रेन्स क्या हमने एक्सप्रेशन में बताया नहीं, कंडीशन में बताया नहीं कि क्या इफ रेन्स, व्हाट इफ रेन्स। तो हम अगर पहले एक वेरिएबल लेते हैं रेन्स इक्वल टू और रेन इक्वल टू ट्रू हम इसको फीड करते हैं, तो इफ रेंज ये हो गया ट्रू, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू हो गया। और ट्रू होते ही हम रन जैसे करते हैं तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस माने जाते हैं और ये 3 एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। अगर रेंज इक्वल टू फॉल्स होता है और अब हम रन करते हैं तो ये प्रोग्राम रन होता है, कोई एरर नहीं है, फिनिश एग्जीक्यूशन हो जाता है,
लेकिन इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन माना नहीं जाता है क्योंकि ये फॉल्स हो गया। और अगर मैं जैसे कि आपको बता रहा था कोड ब्लॉक के बारे में, कोड ब्लॉक को हम कैसे समझते हैं, ये जो तीनों इंस्ट्रक्शंस है ये इस इफ स्टेटमेंट के हैं, वो कैसे पता चलेगा कि इफ स्टेटमेंट के बाद चार फोर स्पेसेस का इंडेंटेशन होगा। ये फोर स्पेसेस के बाद हम जो लिख रहे हैं वो इसके हैं, और कोड ब्लॉक से बाहर होने के लिए हमें बैक स्पेस प्रेस करना होगा। और यहाँ पे हम अगर लिखते हैं तो अब इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस, अगर ट्रू होता है तो क्या ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होता है तो क्या ये प्रिंट होगा। चलिए पहले रन करके देखते हैं, फॉल्स है, रेन फॉल्स है, और इसे रन करते हैं तो फॉल्स है क्योंकि ये कोड ब्लॉक के अंदर है, इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन माना नहीं जाएगा, ये कोड ब्लॉक के बाहर है। ये स्टेटमेंट इस कंडीशन से इसको कोई लेना देना नहीं होगा। अगर ये ट्रू भी होता है फॉल्स भी होता है ये एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये कोड ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये कोड ब्लॉक है। और इन्हें इफ क्लॉज भी बोला जाता है क्योंकि इफ स्टेटमेंट के क्लॉज है ये। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ये चलेंगे, तो ये इफ स्टेटमेंट के क्लॉज है, अगर फॉल्स होगा तो नहीं चलेंगे। और ये अगर हम ट्रू भी करते हैं, ट्रू और रन करते हैं तब भी ट्रू है तो जो इफ क्लॉज है वो तो रन होंगे, और उसके बाद उनको रन करने के बाद ये है, ये एंड में ये भी रन होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, और इस प्रोग्राम में ऐसा है ये प्रोग्राम जो है वो फीमेल के लिए है, मेल अगर कोई भी आता है तो हमें ये बताना होगा दिस इज नॉट फॉर यू, और अगर फीमेल आते तो उन्हें वेलकम मैसेज देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे, मेल उनका जेंडर पूछेंगे, तो जेंडर पूछने के लिए हमें इनपुट यूज करना होगा, इनपुट व्हाट्स योर जेंडर। यहाँ पे एक एरर आने वाला है, मैं बताऊंगा आपको, चलिए अभी बता देता हूँ। मैंने सिंगल कोट यूज किया, स्ट्रिंग में हम आइदर सिंगल या डबल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाट्स पे ये एक सिंगल कोट आ रहा है, तो इस जब ये हो रहा है तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। अब अगर रन करते हैं हम तो ये एरर आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। जेंडर वेरिएबल ले लेते हैं, जेंडर वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एक बार रन करके दिखाते हैं, और ये एरर आ गया, एरर है सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर है राइट, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी सिंगल कोट यूज करना है तो आप सिंपली इसे डबल कोट्स में यूज कर लीजिए, और अब कोई एरर नहीं आएगा डबल कोट्स में, अब ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, उसके बीच सिंगल कोट है, राइट। ओके, तो अब जो भी इनपुट होगा वो जेंडर में, जेंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम इन्हें कहेंगे एम और F एंटर करने को, M होगा तो जेंडर इक्वल टू M हो जाएगा, और अगर एंटर F होता है तो M इक्वल टू F हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर जेंडर M है तो हमें बताना है दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू, और अगर जेंडर F है तो हमें बताना है वेलकम, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं इफ जेंडर इक्वल टू, कंपेयर करने के लिए हमें चलिए पहले सबसे पहले तो मैं सिंपल इंग्लिश में लिख लेता हूँ, इफ जेंडर इज इक्वल टू एम, ठीक है, प्रिंट
दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू, राइट। अदरवाइज अगर जेंडर नहीं है, अदरवाइज जेंडर मेल नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट प्रिंट वेलकम, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश में कर लिया। अब हम इसे पाइथन के सिंटेक्स में कन्वर्ट करेंगे। पाइथन के सिंटेक्स में ये होगा, इफ इज ऑल राइट, इफ कीवर्ड हमें चाहिए, इफ कीवर्ड एक होना चाहिए इफ स्टेटमेंट में, और उसके बाद एक एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो इफ जेंडर इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू जो हम कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, दैट इज इन पाइथन इक्वल टू इक्वल टू डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू का डिफरेंस ये है कि सिंगल इक्वल टू में जो वैल्यू है वो असाइन किया जाता है जेंडर में, वेरिएबल में, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि जो भी वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। जबकि इक्वल टू कोई वैल्यू असाइन नहीं करता, इसके अंदर एम स्टोर नहीं कर रहा, ये सिर्फ कंपेयर कर रहा है कि क्या एम इसके अंदर है। अगर है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर नहीं है तो रिजल्ट होगा फॉल्स, और अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट होगा ये लाइन प्रिंट। This service is not for you, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आता है otherwise, otherwise अब यहां पे if ये होता है तो ये तो आ गया if statement और उसका if clause, क्या आ गया। अब otherwise python में होता है else, that means gender equal to m नहीं है, gender equal to कुछ भी है except m, तो ये जो statement होगा, ये जो code होगा वो run होगा, print print welcome, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि अगर m एंटर नहीं हो रहा तो एफ एंटर होगा, दैट इज फीमेल, तो वेलकम मैसेज हो जाएगा, राइट। तो इफ स्टेटमेंट में और एल स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है उसको नोट कीजिएगा। इफ पहले आएगा कीवर्ड, फिर आएगा एक कंडीशन, फिर आएगा कोलन, और उसके बाद आएगा क्लॉज, राइट, इफ क्लॉज। यहां एल्स में डिफरेंस ये है, कीवर्ड होगा एल्स, यहां इफ था, यहां कीवर्ड एल्स होगा, यहां कंडीशन था, यहां पे कोई कंडीशन नहीं होगा एल्स में, और फिर कोलन कोलन आ जाएगा, और उसके बाद एल्स क्लॉज। ये कोड इसके अंदर फोर स्पेस के अंदर ये कोड आ जाएगा, ये एल्स का क्लॉज हो गया, राइट। तो चलिए इसे रन करते हैं। एंटर करते हैं मेल, एरर आ गया। चलिए देखते हैं क्या ओके ओके एरर क्या है, नेम एरर, एम इज नॉट डिफाइंड, दैट मींस एम हमने यहां पे मेंशन नहीं किया कि एम क्या है, एम इज अ स्ट्रिंग, तो इसे हमें विद इन कोट्स लेना पड़ेगा। चलिए तो इसे दोबारा रन करते हैं, और अब एम प्रेस करते हैं, और ये आ गया दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू, जो कि मैसेज आना था। और अब हम एफ प्रेस करके देखते हैं, ये आता है वेलकम। और एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, और इस पर टाइप करते हैं एक्स, और अब भी वेलकम आ रहा है जो कि गलत है, ये नहीं होना था,
वेलकम आना चाहिए, एम टाइप करने पे दिस सर्विस इज नॉट फॉर यू आना चाहिए, और उसके अलावा कुछ भी टाइप होता है दैट इज इनवैलिड इनवैलिड इनपुट, ये एरर मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या लेंगे हम, एक इफ और एल्स के बीच में एक है, इफ और एल्स के बीच में भी हमारे पास है, इफ हो गया एक कंडीशन है, राइट, कंडीशन ट्रू होता है तो इसका जो क्लॉज है वो रन होगा, और नहीं होता है तो फिर नहीं होगा। एल्स है, इसका कोई कंडीशन नहीं, अगर इफ इफ में जो कंडीशन है वो फॉल्स होता है तो ये रन होगा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी होगा ये फेल होते ये रन हो जाएगा। इसके बीच में और एक चेक हम डाल सकते हैं, और उसके लिए कीवर्ड हम यूज करेंगे एल इफ जेंडर इक्वल टू, हम डाल रहे हैं जेंडर इक्वल टू एफ, राइट, जेंडर इक्वल टू एफ कोलन, यहां पे हम वेलकम करते हैं, वेलकम, राइट। तो हमने दो कंडीशन डाल दी, इफ में एक कंडीशन डाला, एल इफ का स्ट्रक्चर भी इफ जैसे ही होगा, कीवर्ड यहाँ पे इफ है, यहाँ एलिफ होगा, उसके बाद एक एक्सप्रेशन है, एक कंडीशन है, यहाँ पे भी एक कंडीशन होगा, और उसके बाद कोलन, यहाँ पे भी कोलन आएगा, और उसके बाद उसका कोड कोड ब्लॉक होगा जिसमें एक या एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉज। तो यहाँ पे एलिफ है तो ये एलिफ क्लॉज हो गया, ये इफ है तो ये इफ क्लॉज है, ये एल्स है तो एल्स क्लॉज है। तो M होता है तो M को हम ये मैसेज दे रहे हैं, F होता है तो F को हम ये मैसेज दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी होता है तो हमें एरर मैसेज देना है, तो हम लिख देते हैं एरर इनवैलिड इनपुट, राइट। अब इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। चलो जी, M सर्विस इज नॉट फॉर यू, F वेलकम, कुछ भी डाल देते तो एरर इनवैलिड इनपुट, राइट। तो ये मुझे लगता है आप ये तीनों समझ गए होंगे, अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इफ स्टेटमेंट में इफ एलिफ और एल्स तीनों समझ गए, तो चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए सीखेंगे और थोड़ा सा सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, ट्रिपल कोट्स यानी कि मल्टी लाइन कमेंट, ये लाइन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए ये प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले स्टेप्स इसके आप लिख लेंगे कि क्या स्टेप्स होगा, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा स्टेप वाइज चलते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको यूजर से लेंथ और ब्रेथ लेना है एक रेक्टेंगल का, और फिर चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर तभी होगा जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होंगे, तो ये तो हो गया कंडीशन। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम इंग्लिश में ही लिख लेंगे, सिंपल इंग्लिश में, सबसे पहला हम लेंथ लेंगे, तो आस्क यूजर फॉर लेंथ, ठीक है, एंड
कर रहे हैं, ask user, user से पूछ रहे हैं कि length कितना है, और जो भी वो टाइप कर रहा है उसको हम स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल है length, ठीक है। सिमिलरली हम यही काम करेंगे ब्रेथ के लिए भी, तो यूजर से हम पूछेंगे कि ब्रेथ कितना है और उसे स्टोर करेंगे वेरिएबल ब्रेथ, ब्रेथ नेम के वेरिएबल में, राइट। तो दोनों ले लिया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए दोनों लेंथ और ब्रेथ हमें चेक करने हैं कि इक्वल। इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, तो अगर लेंथ ब्रेथ के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे कि इट इज अ स्क्वायर, राइट। और अगर नहीं है अदरवाइज अब प्रिंट करेंगे इट इज नॉट अ स्क्वायर, राइट। तो हमने स्टेप्स अपने प्लेन लैंग्वेज में, प्लेन इंग्लिश में बना लिया। अब इसे हम पाइथन सिंटैक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आस्क यूजर, यूजर से हमें कुछ इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन यूज होगा, इनपुट और एंटर लेंथ, एंटर लेंथ, हम यूजर से बोल रहे हैं कि एंटर लेंथ। तो यहाँ पे इनपुट होगा, यूजर टाइप करेगा लेंथ कितना है, अब जो भी टाइप करेगा उसे स्टोर करना है हमें एक वेरिएबल में, और उसका नाम देना है लेंथ। तो क्योंकि वेरिएबल हम पहले लिखते हैं तो यहाँ हम स्टोर करेंगे ये लाइन, इसको हमने पाइथन सिंटैक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इनपुट होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन में, एंटर लेंथ, और यूजर लेंथ टाइप करेगा, और जो भी टाइप करेगा 1, 2, 3, 4, 5 जो भी टाइप करेगा वो स्टोर हो जाएगा लेंथ वेरिएबल के अंदर। सिमिलरली ये दूसरा है जो आस्क यूजर फॉर ब्रेथ, तो हम फिर से इनपुट, इनपुट करेंगे एंटर ब्रेथ, और इससे भी हम वेरिएबल ब्रेथ के अंदर स्टोर करेंगे, वेरिएबल दे देते हैं ब्रेथ और ये स्टोर कर देते हैं ब्रेथ पे। अब ये दोनों वैल्यू हमें मिल गए, यहाँ पे अगर यूजर 4 टाइप करता है, यहाँ पे 4 टाइप करता है, दोनों 4 लेंथ ब्रेथ, तो दोनों इक्वल होते हैं। हम कंपेयर करेंगे, इक्वल है तो हम बताएंगे स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम बताएंगे स्क्वायर नहीं है। तो इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, इसे हम पाइथन के सिंटैक्स में कैसे करेंगे, इफ इज ऑलराइट, इफ कीवर्ड चाहिए लेंथ, ठीक है क्योंकि वेरिएबल है ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। इफ लेंथ इज इक्वल टू को हम कन्वर्ट करेंगे पाइथन में इक्वल टू, इक्वल टू length is equal to breadth, तो breadth भी ठीक है क्योंकि ये भी variable है, तो ये compare इन दोनों variables को कर रहा है कि इसके अंदर जो value है क्या इसके अंदर भी वही value है। चलिए ये condition हो गया, और उसके बाद एक colon लगेगा, फिर अब अगर true होता है तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो indent लेंगे 4 line का, 4 स्पेसेस का, 4 स्पेसेस का इंडेंट लेके हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि करना क्या है। अगर ट्रू होता है तो प्रिंट इट इज अ स्क्वायर, राइट। तो
पाइथन सिंटैक्स में कन्वर्ट कर दिया। और अगर इक्वल नहीं है तो अदरवाइज क्या होता पाइथन में, एल्स, एल्स कुछ भी हो, कंडीशन की जरूरत नहीं। अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हुआ तो स्क्वायर नहीं हुआ या कुछ भी हुआ, इक्वल नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा इट इज नॉट अ स्क्वायर। राइट, चलिए इसे हम रन करते हैं। पहले लेंथ, लेंथ एंटर करते हैं 4। यहाँ पे एक चीज और आएगी मैं बताऊंगा आपको, और ब्रेथ, और यहाँ पे बोल रहे इट इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट है। अब हम दोबारा रन करते हैं और हम लेते हैं 10 लेंथ और ब्रेथ में लेते हैं 10 और इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखना कि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग, चाहे आपने नंबर एंटर किया होगा लेकिन वो रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगा। इस चीज को मैं आइडल में आपको बता देता हूँ कि सपोज लेंथ इक्वल टू, वही ले लेता हूं मैं इनपुट एंटर लेंथ, राइट, एंटर लेंथ आ गया, मैंने लिखा 10 और अब आप चेक कीजिए कि लेंथ के अंदर 10 है कि नहीं, 10 आ गया और कोट्स में आ गया, कोट्स में स्ट्रिंग आता है, फिर भी हमने हम टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप टाइप लेंथ इट इज स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग है, राइट। तो अगर हम चाहे कि लेंथ प्लस 4 करें तो ये एरर मैसेज आ जाएगा, क्योंकि 10 प्लस 4 14 होता है, बट यहाँ पे 10 स्ट्रिंग है, नॉट एन इंटीजर। इंटीजर होता तो ये हो जाता, लेकिन इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग एरर मैसेज आप देख सकते हैं, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट होगा, और नंबर अगर है इंटीजर से इंटीजर प्लस होगा, एडिशन होगा। तो फिर हमें क्या करना होता है कि अगर इसमें आप ये याद रखना कि कब आपको इंटीजर लेना है और कब स्ट्रिंग रहने देना है। सपोज अगर आपको ऐसे नंबर रिटर्न हो रहे हैं जिन्हें आपको कैलकुलेशन, किसी तरह से कैलकुलेशन में यूज करना नहीं है, तो वो नंबर आप उनको एज स्ट्रिंग छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल पिन कोड हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, तो पिन कोड टेलीफोन नंबर इस पे नॉर्मली आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे नहीं, तो ये स्ट्रिंग भी रहे तो चलेगा। लेकिन जैसे सैलरी हो गया या फिर एज हो गया, इन पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो इन्हें आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो स्ट्रिंग में सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और इंटीजर में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बता दूं। यहाँ पे जैसे कि लेंथ, इन ये आपको पता है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो हम इसे इंट फंक्शन के अंदर ले लेंगे और अब करेंगे, और अब 10 एंटर करता हूँ और अब मैं लेंथ चेक करता हूँ, इसमें कोई कोट्स नहीं आ रहा है, फिर भी मैं टाइप चेक कर लेता हूँ, ये इंट आ रहा है, डेट मीन्स अब इंटीजर है। अब आप चेक कर सकते हैं लेंथ प्लस 5 इज 15, यहाँ कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आप इंटीजर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वापस प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे लेंथ
जो है स्ट्रिंग आ रहा है और लेंथ या ब्रेथ हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है उनमें प्रोग्राम पे, तो इससे आप हमेशा जो भी नंबर्स जिन पे कैलकुलेशन करना हो उन्हें हमेशा इंटीजर में आप कन्वर्ट कर लिया कीजिए, राइट। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे भी कमेंट सिंगल लाइन कमेंट आउट कर लेते हैं, हैश फॉर सिंगल लाइन कमेंट। तो टेक टू इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमाउंट, ठीक है। दो वैल्यू लेने, दो इंटीजर वैल्यूज लेने यूजर से, दैट मीन्स इनपुट लेने हैं और उसके बाद इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा बताना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल प्लेन इंग्लिश में लिखेंगे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले दो वैल्यू है तो दोनों एक बार में नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले आस्क फॉर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, एंड स्टोर, उसे स्टोर भी करेंगे इन नम वन वेरिएबल, ठीक है। नम वन वेरिएबल समझ आ रहा है, फर्स्ट नंबर नम वन वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरा नंबर मांगेंगे, आस्क फॉर सेकंड इंटीजर एंड स्टोर इन नम टू, नम टू में स्टोर कर दिया दोनों। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, तो इसके लिए चेक करेंगे इफ नम वन is greater than num 2, num 1 greater than num 2 है तो प्रिंट करेंगे num 1 is greatest, right? Otherwise हम प्रिंट करेंगे num 2 is greatest, ठीक है। तो क्योंकि दो ही नंबर है तो अगर ये ग्रेटर नहीं है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए अब इसे हम पाइथन के सिंटैक्स में कन्वर्ट करते हैं। आस्क तो यूजर से लेना इनपुट, इनपुट फंक्शन यूज होगा, यहां लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, राइट, एंटर फर्स्ट नंबर करते हैं और इसे स्टोर करते हैं हम नाम इसका काम हो गया। इसी तरह हम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं क्योंकि दूसरा भी बिल्कुल सिमिलर है और टाइम भी बचेगा। इससे नम टू वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम सेकंड नंबर, तो ये इसे रिमूव कर देते हैं। अब पाइथन कंपेयर करने इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स, इफ नम वन इज ओके वेरिएबल है, इस ग्रेटर देन भी यूज किया है ऑलरेडी, दिस इज ओके, और नम टू, तो उसके बाद कोलन आएगा, कोलन के बाद हम लिखेंगे प्रिंट नम वन इज ग्रेटेस्ट, राइट, और फिर ये हो गया और फिर अदरवाइज को हम लिखेंगे यहां एल्स, एल्स प्रिंट नम टू इज ग्रेटेस्ट, करेक्ट। ये हो गया, अब इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं। नम वन लिख दिया मैंने 10, नम टू लिख दिया 20, नम टू is greatest, right? और एक बार रन करते हैं इसे और 50 num 1, 50 num 2, num 2 is greatest। यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इक्वल के कंडीशन को देखा ही नहीं। सो ये लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, रन हो रहा है लेकिन लॉजिक में एरर है क्योंकि हमने
अगर इक्वल नंबर आते हैं तो क्या करना है? फिर वही इफ और एल्स के बीच में एक हम एलिफ ले लेंगे, एल इफ नम वन इक्वल टू एक कंडीशन और डाल देते हैं, चेक कर रहे हैं कि इक्वल टू नहीं, इक्वल है तो ग्रेटेस्ट बताएंगे, इक्वल है तो प्रिंट num1 is equal to num2, सेव करेंगे, रन करेंगे, 80 num1 is equal to num2। अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, f string अगर string formatting पे भी मेरा वीडियो है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, को अगर ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ नम वन नम टू यूज ना करके एग्जैक्टली वो नंबर यूज करूँ जो यूजर एंटर कर रहा है, तो उसके लिए हमें करना होगा एफ, एफ स्ट्रिंग के लिए एफ यहाँ पे लिखना है दोनों कोट्स, ये पूरा स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग से बाहर एफ यूज करना होगा, और फिर जो वेरिएबल है उसे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना है, दिस इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो अब जो वैल्यू यूज होगा वो वैल्यू एंटर होगा, ना कि नम वन नम टू लिखा होगा, तो हमें प्रिंट में रिजल्ट में ये डिस्प्ले करना है। एफ ले लेते हैं और इसे प्लेस होल्डर ले लेते हैं, ये भी एक वेरिएबल है, इसे भी प्लेस होल्डर में ले लेते हैं, दैट इज कर्ली ब्रेसेस, और ये भी है पहले एफ और फिर कर्ली ब्रेसेस में हम ले लेते हैं। अब सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, 45 और 10, सो 45 इज ग्रेटेस्ट, अब नंबर आ रहा है, अब नम टू इज ग्रेटेस्ट या नम वन इज ग्रेटेस्ट नहीं बता रहे, 45 जो नंबर एंटर हो रहा है उस नंबर को बता रहे कि वो बड़ा है, एंड 100 इज इक्वल टू 100, राइट। चलिए तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं आपको एज असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस लिख दूंगा, आपको इसे सॉल्व करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करना है, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, इसे आप कोशिश कीजिए, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको वो मैं आपको हेल्प करूंगा, ज़रूरत पड़े तो दोबारा उस प्रॉब्लम पे छोटा सा वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, लेकिन इसे कीजिए ज़रूर, इन्हें सॉल्व कीजिए, तभी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा पक्की हो जाएगी और इफ स्टेटमेंट में आपका कमांड पड़ेगा। तो ये था फ्लो कंट्रोल का इफ स्टेटमेंट, और अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्हाइल लूप। तो और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसी चीज हो जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं पाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, उस पे अगर जरूरत है तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं अच्छी तरह से आपको समझा सकूं, और असाइनमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड